कांग्रेस की हार पर समीक्षा बैठक हुई स्थगित। जी हां, 11 बजे से होनी थी राजस्थान को लेकर बैठक और राहुल के आवास पर यह बैठक होनी थी। आपको बता दें कि राहुल के बदले कार्यक्रम के चलते ये बैठक टल चुकी है। सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट दिल्ली में ही मौजूद है। कांग्रेस की हार पर समीक्षा बैठक जो होने वाली थी वो अब स्थगित कर दी गई है। राहुल के आवास पर यह बैठक होनी थी और ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल के बदले कार्यक्रम के चलते इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है, टाल दिया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दिल्ली में ही मौजूद है। दिल्ली से आपको खबर बता रहे, जहां कांग्रेस की हार पर जो समीक्षा बैठक होनी थी वो स्थगित कर दी गई है। आज 11 बजे राजस्थान को लेकर ये बैठक होनी थी। इसमें चर्चा की जाती, जो राजस्थान में कांग्रेस को हार मिली है उस पर इस बैठक में चर्चा की जानी थी, लेकिन अब इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि राहुल के बदले कार्यक्रम के चलते इस बैठक को टाल दिया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट अब भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। आपको बता रहे, कांग्रेस की हार पर समीक्षा बैठक स्थगित हो गई है, टाल दिया गया है इस बैठक को, जो कि आज 11 बजे होनी थी और इसमें राजस्थान को लेकर चर्चा की जानी थी। राजस्थान में जो 25 सीटों पर खाता भी नहीं खोल पाई कांग्रेस पार्टी, इस पर मंत्रणा की जाती इस बैठक में, लेकिन उसको अब स्थगित कर दिया गया है। सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट दिल्ली में ही मौजूद हैं। आपको दिल्ली से खबर बता रहे, जहां कांग्रेस की हार पर जो समीक्षा बैठक आज होनी थी 11 बजे, उसको स्थगित कर दिया गया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के आवास पर यह बैठक होनी थी और राहुल गांधी के ही बदले कार्यक्रम के चलते इस बैठक को टाल दिया गया है। और अभी देखने वाली बात है कि अब ये बैठक कब आयोजित की जाती है, लेकिन अभी के लिए इस बैठक को टाल दिया गया है, आज स्थगित कर दिया गया है इस बैठक को। आपको बता रहे हैं दिल्ली से खबर, जहां कांग्रेस की हार पर समीक्षा बैठक को स्थगित कर दिया गया है। राहुल गांधी के आवास पर यह बैठक होनी थी,